जय श्री कृष्णा। दिवाली की रात 12 बजे के बाद आप किस तरह से अपनी राशि के अनुसार इन मंत्रों, आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार से आपके जीवन में आने वाले आर्थिक कष्टों से आप मुक्ति पा सकते हैं। यह दीपावली की रात यानी कार्तिक अमावस्या दीपावली की रात में 8 बजे से लेकर रात्रि 1 बजे के बीच मां लक्ष्मी का विशेष पूजन करने के बाद कमल गट्टे की माला से महालक्ष्मी के इन 108 नामों को कम से कम एक माला जप करने से धन धान्य में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है। वो नाम इस प्रकार से हैं। इस अवसर पर अगर आप करते हैं पंच गव्य दीयों का उपयोग तो आपके लिए और उत्तोत्तम लाभ की स्थिति निर्मित होगी। पंच गव्य दिया जो कि गौमूत्र, गोबर और गौघृत आदि से निर्मित किया जाता है। आइए हम इन माला के माध्यम से इन मंत्रों का जप करते हैं और जिंदगी में माँ लक्ष्मी के आविर्भाव का रास्ता प्रशस्त करते हैं। ओम श्री अव्याये नमः, ओम श्री अच्युत्याये नमः, ओम श्री अंशुभालिन्ये नमः, ओम श्री अर्पणाये नमः, ओम अमृतावहाये नमः, ओम अनुमत्यै नमः, ओम श्री आदित्यवर्णाये नमः, ओम श्री अरुणावत्यै नमः, ओम श्री कष्टगम्याये नमः, ओम श्री कलंकरहिताये नमः, ओम श्री कलावत्यै नमः, ओम श्री कामधेन्ये नमः, ओम श्री गंभीराये नमः, ओम श्री गरुड़ासनाये नमः, ओम श्री जगत्प्रियाये नमः, ओम श्री धन्येश्वरे नमः, ओम श्री घोर दुर्गतिनाशिन्ये नमः, ओम श्री दैत्य दानव मर्दिन्ये नमः, ओम श्री खगवाहनाये नमः, ओम श्री जगत्प्रियाये नमः, ओम श्री दारिद्र दुख समन्ये नमः, ओम श्री त्रिगुणाये नमः, ओम श्री त्रिलोक सुंदरे नमः, ओम श्री त्रैलोक होहिये नमः, ओम श्री दयामत्यै नमः, ओम श्री धर्म कामार्थ मोक्षदाये नमः, ओम श्री धनदाये नमः, ओम श्री धनलक्ष्मीनाये नमः, ओम श्री पावनाये नमः, ओम श्री प्राणदाये नमः, ओम श्री पद्माये नमः, ओम श्री प्रत्यक प्रकृत्यै नमः, ओम परमा श्री परमानंद रूपिण्यै नमः, ओम श्री पावन्यै नमः, ओम श्री प्रत्यक्ष लक्ष्मी नमः, ओम श्री पद्ममाला विभूषिताये नमः, ओम श्री ब्रह्मांड वासिन्यै नमः, ओम श्री भक्तवत्सलाये नमः, ओम श्री भयनाशनाये नमः, ओम श्री नित्यशुद्धाये नमः, ओम श्री निरामयाये नमः, ओम श्री निर्जाये नमः, ओम श्री नित्यपुष्टाये नमः, ओम श्री ब्रह्मवादिन्ताये नमः, ओम श्री धनुर्लक्ष्मी नमः, ओम श्री पुष्टिकर्यै नमः, ओम श्री महाविभवभूषणाये नमः, ओम श्री माधवप्रियाये नमः, ओम श्री मातृकायै नमः, ओम श्री वीरेश्वराये नमः, ओम श्री ब्रह्मसहिताये नमः, ओम श्री मधुमत्यै नमः, ओम श्री मूल प्रकृत्यै नमः, ओम श्री भानुमत्यै नमः, ओम श्री सर्वशास्त्र सुधारिणे नमः, ओम श्री सुरसुंदरी नमः, ओम श्री चारुहासिने नमः, ओम श्री हिमशैलेन्द्र संकाये नमः, ओम श्री गजेन्द्र वाहनाये नमः, ओम श्री सर्वांग योन्ये नमः, ओम श्री संप्रधानेश्वरे नमः, ओम श्री विष्णुवक्षस्थलगताये नमः, ओम श्री वास्तुदेवताये नमः, ओम श्री मणिभूषाये नमः, ओम श्री रसना प्राणदायित्ये नमः, ओम श्री तेजो लक्ष्मी नमः, ओम श्री सुखदो दयाये नमः,
ओम श्री सौम्य रूपाये नमः। ओम श्री स्वार्थ साधन कार्ये नमः। ओम श्री संपूर्ण मंडलाये नमः। ओम श्री शंख भद्रासन स्थिताये नमः। ओम श्री सिद्ध सेविताये नमः। ओम श्री हिरणगड़ भाव्ये नमः। ओम श्री सर्वमंगल मांगल्ये नमः। ओम श्री सत्य संकल्पाय नमः। ओम श्री शुभकाराय नमः। ओम श्री सुरेंद्र निमिताय नमः। ओम श्री सुदुर्बल्लभाय नमः। ओम श्री शुभमंगलाय नमः। ओम श्री व्योम मध्यस्थताय नमः। ओम श्री वसुमतये नमः। ओम श्री विजयाये नमः। ओम श्री वागीश्वर्यै नमः। ओम श्री विश्वरूपायै नमः। ओम श्री व्योमवारिण्यै नमः। ओम श्री विष्णुवल्लभाये नमः। ओम श्री विद्यावासिन्यै नमः। ओम श्री सर्वमंगलाये नमः। ओम श्री सर्वकामप्रदायै नमः। ओम श्री स्वर्णकमलसनायै नमः। ओम श्री सुख सौभाग्य सिद्धिदाये नमः। ओम श्री सर्वाभिलाष पूर्णेच्छाये नमः। ओम श्री शुद्धाये नमः। ओम श्री सर्वव्यापिने नमः। ओम श्री सनातनये नमः। ओम श्री स्वस्वरूपाये नमः। ओम श्री स्वर्गाये नमः। ओम श्री शाश्वत्यै नमः। ओम श्री सुप्रतिष्ठायै नमः। ओम श्री सर्वभूत महेश्वरै नमः। ओम श्री संपूर्णा नमः। ओम श्री सुरासरवर प्रदायै नमः। ओम श्री यशस्कर्यै नमः। ओम श्री योगमायायै नमः। ओम श्री योगेश्वर प्रियायै नमः। ओम श्री सर्वतो भद्राये नमः। ओम श्री सौम्याये नमः। ओम श्री शुक्लांबरा नमः। शास्त्रों में देवी महालक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के अनेकानेक मंत्र प्रदान किए गए हैं, जिनमें से तीन मंत्र इस प्रकार से हैं। इन मंत्रों को तीव्र अत्यंत असरकारी कहा गया है, लेकिन उच्चारण में कठिन है, इसलिए प्रशिक्षित होने पर ही इन मंत्रों का आप जप करें। ओम श्रीं श्रिये नमः। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। श्रीं ह्रीं श्रीं ॐ महालक्ष्मी नमः। मित्रों, अपनी राशि के अनुसार आप मंत्र का जाप और उपाय कर सकते हैं जो आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो सकता है। जैसे मेष राशि वाले दीपावली की रात लाल चंदन और केसर घिरकर उसमें रंगा हुआ सफेद कपड़ा आदि आप अपने गले अथवा तिजोरी में बिछाएंगे तो उससे आपकी समृद्धि में हमेशा वृद्धि होगी तथा आकस्मिक धन हानि का अवसर भी नहीं आएगा। दीपावली की शाम घर के मुख्य दरवाजे पर तेल का दीपक लगाएं तथा उस दीपक में दो काली गुंजा डाल दें, जो साल भर आपको आर्थिक रूप से परेशानी नहीं होगी। आपका रुका हुआ धन भी जल्दी ही मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर पांच पांच पंचगव्य दीपक भी आप अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर लगाते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति में आपको अत्यंत सहायता प्राप्त होगी। मेष राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टी की माला से इस मंत्र का जप करें। ओम ऐं क्लीं सोहा। वृषभ राशि वालों के लिए यदि बहुत पैसा कमाने के बावजूद भी आप कुछ सुरक्षित नहीं कर पा रहे, सेविंग नहीं कर पा रहे, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ साथ कमल के पुष्प की भी पूजा करें तथा बाद में इस पुष्प को लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान या तिजोरी अथवा लॉकर में रख देवें। दीपावली की रात गौ घृत से निर्मित दो दीपक या पंचगव्य दिया जलाकर उसे किसी एकांत स्थान पर अपनी मनोकामना बताते हुए रखाएं। शीघ्र ही आपकी हर मनोकामना पूर्ण होने के योग बनने लगेंगे। वृषभ राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें। ओम ऐं क्लीं श्रीं।
मिथुन राशि वाले, यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश पूजन करते समय दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करके उसे अपने धन स्थान पर रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। यदि आप कर्ज से परेशान हैं तो लक्ष्मी पूजन के बाद गणेश जी की प्रतिमा को खड़ी हल्दी की माला पहनाएं। इससे आपकी परेशानियों में कमी आने लगेगी। मिथुन राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम क्लीम ऐं सः। कर्क राशि वालों के लिए, यदि आपको धन लाभ की इच्छा है तो दीपावली की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का पंचमुखी दीपक जलाएं और साथ में 7 दीपक पंचगव्य के जलाकर अपनी प्रार्थना बोल के आएं। यह एक खास और अचूक उपाय है। यदि आप दीपावली पर पीला त्रिकोण आकृति का झंडा भगवान विष्णु के किसी मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वह लहराता रहे, तो अगली दीपावली तक आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। कर्क राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम क्लीम ऐं श्रीम। सिंह राशि वाले, दीपावली की रात घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के घी का दीपक यानी पंच गव्य दिया 5 दोनों ओर 5-5 लगाएं। यह दीपक सुबह तक जलता रहे तो समझें कि अगली दीपावली तक आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आने वाला है, साथ ही मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। सिंह राशि वाले, यदि आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं तो दीपावली की शाम को पीपल के पत्ते पर अनार की कलम से गौरवचन के द्वारा शत्रु का नाम लिखकर भूमि में दबा दें। इससे आपको शत्रु द्वारा कोई हानि नहीं होगी। सिंह राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम ह्रीम श्रीम सोहा। कन्या राशि वाले, यदि आपको धन संबंधी कोई समस्या है तो आप दीपावली की रात लाल रुमाल में नारियल बांधकर अपने गले या तिजोरी में रखें। इससे धन लाभ तो होगा ही, इसके साथ ही अगली दीपावली के लिए आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। दीपावली के दिन 2 कमलगट्टे की माला माता महालक्ष्मी के मंदिर में भी अर्पित अवश्य करें। यदि आपको नौकरी संबंधी कोई समस्या है तो आप दीपावली से शुरू करके प्रत्येक अमावस्या पर रोज मीठे चावल कौवों को खिलाएं। इससे आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। कन्या राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम श्रीम ऐं सोहा। तुला राशि, यदि आपको व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो आप दीपावली पर बड़ के पेड़ के पत्ते पर सिंदूर व घी से ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र लिखें और इसे बहते हुए जल में पंचगव्य दिए के साथ रखकर प्रवाहित कर दें। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए तुला राशि के लोग दीपावली की सुबह स्नान आदि नित्य कर्म के बाद किसी माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर 11 नारियल अर्पित करें और 11 ही पंचगव्य दिए प्रज्वलित करें। देखते ही देखते आपकी परेशानियों का हल मिलने लगेगा। तुला राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम। वृश्चिक राशि वाले लोग, इस राशि के लोगों को यदि धन की इच्छा है तो वे दीपावली पर अपने घर के बगीचे या बरामदे में केले के 2 पेड़ लगाएं तथा इनकी देखभाल करें। इसके फल स्वयं न खाएं, दूसरों को दान करें तथा प्रत्येक गुरुवार व मंगलवार को पंचगव्य 3 दिए अवश्य प्रज्वलित करें। देखते ही देखते आर्थिक हालात में भारी बदलाव आने लगेगा। यदि परिवार में अशांति है तो दीपावली की रात नाग केसर का फूल घर में लाकर कहीं छिपा दें, जहां उसे कोई देख न सके। परिवार में शांति का वातावरण हो जाएगा। वृश्चिक राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम ऐं क्लीं सोहा। धनु राशि,
धनु राशि, इस राशि के लोग धन प्राप्ति के लिए दीपावली के दिन पान के पत्ते पर रोली से श्रीम लिखकर अपने पूजा स्थान पर रखें तथा रोज इसकी पूजा करें। दीपावली की पूजा करते समय माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला अर्पित करें, तथा साथ ही कमल का फूल भी। यह दोनों ही चीजें माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं और 21 पंचगव्य दिए एक साथ प्रज्वलित करें। देखिए, देखते ही देखते आपके जीवन में किस प्रकार से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। धनु राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम ह्रीम क्लीम सोहा। मकर राशि, काफी समय से यदि धन अटका हुआ है तो दीपावली की रात आग की रुई का दीपक घर के ईशान कोण में जलाएं, इससे रुका हुआ धन मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि विवाह में बाधा आ रही है तो दीपावली पर भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें पीला वस्त्र, पीली मिठाई या पीले फल अर्पित करें। मकर राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम ऐं क्लीं सोहा। कुंभ राशि, धन प्राप्ति के लिए दीपावली की रात नारियल के कठोर आवरण में घी डालकर लक्ष्मी जी के समक्ष दीपक जलाएं। यह दीपक रात भर जलने दें। जीवन साथी के साथ यदि आपकी नहीं बनती है तो दीपावली के दिन खीर बनाएं, उसका भोग माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, जिसमें विशेष रूप से मखाने हों। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। कुंभ राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम ह्रीम ऐं क्लीं श्रीम। साथ ही साथ 21 पंचगव्य दिए अपने पूजा स्थल पर एक साथ जलाएं, लाभकारी होगा। मीन राशि, यदि आपको शत्रु पक्ष से परेशानी है तो दीपावली की रात कर्पूर के काजल से शत्रु का नाम लिखकर अपने पैर से मिटा दें। शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे। धन लाभ के लिए दीपावली पर किसी लक्ष्मी मंदिर में जाकर कमल के पुष्प, नारियल अर्पित करें तथा सफेद मिठाई का भोग लगाएं, तथा मंदिर परिसर में 51 पंचगव्य दिए अवश्य जलाएं। इससे आपके धन की समस्या समाप्त हो सकती है। मीन राशि के लोग दीपावली की रात स्फटिक या कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का जप करें, ओम ह्रीम क्लीम सोहा। देवी भागवत में श्री लक्ष्मी जी कहती हैं, जो उद्यमी है, साहसी है, उसके पास मैं रहती हूँ। जो कटुभाषी है, आलसी है, जरा जरा बात में उलझ जाता है, गंदा रहता है, उसके यहाँ मैं ज़्यादा नहीं टिकती हूँ। जो नारायण की तरफ जाता है उसकी मैं पोषक हूँ, लेकिन जो भोग विलास में पड़ता है उसके पास मैं उल्लू पर आती हूँ। जो सतमार्ग में जाता है उसके लिए मैं कमल वासिनी गरुड़ पर आती हूँ। इसलिए लक्ष्मी पूजन करें, नारायण पूजन सहित विधि विधान से, तो लक्ष्मी सुखदायी हो जाती हैं। तब वे भागवत प्राप्ति में सहायता देती हैं। सत्कर्म में जो लक्ष्मी लगती है, सत्कर्म में जो मन लगता है, वह सहज वश में हो जाता है। जय माँ लक्ष्मी, हम सब पर कृपा बनाए रखें। मित्रों, आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिए, साथ में अपने सभी लोगों के साथ शेयर भी करिए। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारियां की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।